हेलो एवरीवन, मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल क्रिएटिव बीज में। ये मेरा पॉट है जो कि टूट गया था। मैं इसको आपको यूज़ करना बताऊँगी कि मैं इसको बहुत अच्छा क्रिएटिव किस तरीके से यूज़ कर सकती हूँ। ये थोड़ा यहाँ से निकला हुआ था, ये एक्स्ट्रा पार्ट मैंने सारा निकाल दिया है, इसको हटा देंगे। ये मैंने देखिए इसको इक्वल कर लिया है यहाँ से, ये सब मैंने एक्स्ट्रा पार्ट इसका निकाल दिया है। ये हम इसको इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर। ये मेरा सिरेमिक पाउडर है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, इसकी मैंने क्ले तैयार कर ली है। ये मैंने सिरेमिक क्ले का डो तैयार कर लिया है और एक ये मार्केट से मैं एक फेस लेके आई हूँ जो आपको किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप पर मिल जाएगा। मैं इसको यहाँ पर फेविकोल से अटैच कर दूंगी। ये मैं इस पर फेविकोल लगा रही हूँ, मैंने पॉट पे भी फेविकोल लगा दिया है। इसको हम एक लेडी की नेक की तरह तैयार करेंगे, इसके बीच में ये लगा के। इस तरीके से जहाँ क्ले थोड़ी सी कम होगी और लेके लगा लेंगे। ये मैंने इस तरीके से क्ले लगा के इसको इवन कर लिया है और ये इस तरीके से कुछ दिखेगा आपको। बटन है जो हम सलवार में नीचे लगाते हैं, ये मैं लेके आई हूँ। इसमें से मैंने ये इतना टुकड़ा काट लिया है इस तरीके से। इस टुकड़े को हम थोड़ा सा इस तरीके से पानी में डिप कर लेंगे। तो इसको 2 मिनट के लिए हम डिप करेंगे तो ये मुलायम हो जाएगा इस तरीके से, बिल्कुल कि आप इसको किसी भी तरीके से मोड़ सकते हैं। पाउडर ले लिया है और इस चॉक पाउडर में मैं थोड़ा सा फेविकोल मिलाऊंगी अंदाज से, 1 चम्मच या 2 चम्मच हम फेविकोल लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये पेस्ट न ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए न ज़्यादा ढीला होना चाहिए। इसको मैंने प्लास्टिक पर रख लिया है जिससे कोई भी एक्स्ट्रा कोई चीज़ गिरे तो इस प्लास्टिक पर ही गिरे। अब मैं इस बकरम को इसमें डिप कर लूँगी। साइड से पकड़ के सब जगह इसमें ये चॉक पाउडर और फेविकोल का मिक्सचर लग जाए। ये इसमें से थोड़ा एक्स्ट्रा हम दबा के निकाल देंगे चॉक पाउडर। इसको एक दुल्हन के पल्ले की तरह हम सेट कर लेंगे। इसको हम और थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग सेट करके पॉट से दबा के अब इसको एक दिन के लिए हम सूखने देंगे। 1 दिन हो गया है, अब ये सूख के कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये ब्लैक कलर है, मैं इस पर ब्लैक कलर कर लूंगी, फिर ब्लैक कलर होने के बाद मैं बताऊंगी इस पे क्या करना है। ये मैंने इसको ब्लैक कलर कर लिया है, अब मैं इस पे सिल्वर डस्टिंग करूंगी। अभी तक आपने गोल्डन डस्टिंग और कॉपर डस्टिंग देखी है, अब आप देखिए कि सिल्वर डस्टिंग से कैसा लुक आता है।
अब ये मैं कॉपर डस्टिंग करूंगी थोड़ी सी। देखिए ये फाइनल लुक है इसका। देखिए मैंने एक टूटे हुए पॉट से कितनी अच्छी आर्टिस्टिक चीज़ बना दी है। अगर आपको मेरी ये चीज़ पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए।